टैक्स अभी याद आया कि बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी हमारा पुर्तगाल में अगर हम काम करते हैं तो टैक्स कौन पे करेगा। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अभी कहते हैं कि पार्ट टाइम में हम पुर्तगाल में कितने पैसे कमा सकते हैं और फुल टाइम में कितने पैसे बन जाते हैं। तो जनाब ये, और जब आप पुर्तगीज लोगों के पास या किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो जनाब आपको सैलरी के साथ ये भी मिलता है। सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने लगा हूँ कि पुर्तगाल में मेरी सैलरी कितनी है, मैं क्या काम करता हूँ। बहुत ज्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सलमान आप कौन सी जॉब करते हो, प्लीज आपकी सैलरी कितनी है। और लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि अगर हम पुर्तगाल में काम करते हैं तो हमारा टैक्स कौन पे करता है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और आपके इस क्वेश्चन की मैं बहुत कदर भी करता हूँ। इस वीडियो में एक एक चीज दिखाने लगा हूँ और बताने भी लगा हूँ कि अगर आप पुर्तगाल में पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो आपको कितने पैसे बन जाते हैं और अगर आप फुल टाइम जॉब करते हैं पुर्तगाल में तो आपको कितने पैसे बन जाते हैं। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर तो अपनी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जब आप मैसेज करते हैं हाय हेलो के साथ अपना मसला भी दस्या करो, अपना मसला भी यार बताया करें। मैं बार बार कहता हूँ आप सिर्फ हाय हेलो बोल देते हो और जिसको मैं रिप्लाई दे देता हूँ खुदारा वो डेली मैसेज ना किया करें। मैं बार बार कहता हूँ यार मुझे सबको रिप्लाई देना होता है, तो आप जब रोज मैसेज करोगे तो मैं नए लोगों तक कैसे पहुंचूंगा। क्योंकि यार फिर अगर आपने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो यार लोगों की फीस वगैरह होती है, तो आप भी थोड़ा सा फिर हयार रख लिया करो। क्योंकि यार मेरी फीस नहीं होती, मुझे अच्छा भी नहीं लगता फीस वगैरह फिर ऐसे लेना, लेकिन जब आप बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करते हो फिर मैं बेचारा क्या करूं, ऐसे फिर नए लोगों को रिप्लाई देने में बहुत परेशानी हो जाती है। एनीवे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप कमेंट्स में लिख भी सकते हैं मेरा अगला टॉपिक कौन सा हो, कोशिश करूंगा उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं। तो जनाब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि पुर्तगाल में मैं काम कौन सा करता हूं और मेरी सैलरी कितनी है। तो जनाब मैं आपको ये दिखा दूं, ये आप मेरा नाम देख सकते हो, ये सलमान मलिक, ये मेरा नाम हो गया और मेरी सैलरी। मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, ठीक है, मेरी कोई फुल टाइम अभी नहीं, क्योंकि अभी आपको पता है मैं रिसेंटली पाकिस्तान से वापस आया हूँ। तो जनाब मैं पार्ट टाइम ही फिलहाल जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे कितने घंटे अलाउ है और मैं कितने घंटे काम करता हूँ, जनाब मैं सिर्फ मैं 60 से 65 आवर्स काम करता हूँ, ठीक है। और मुझे पैसे कितने आते हैं अभी ये भी मैं आपको बता दूं, मेरा कुछ भी आप लोगों से छुपा नहीं है। ये जो मुझे 60 से 70 घंटे के पैसे आते हैं ये 470 यूरो मुझे मिलते हैं, ठीक है। और ये जो 470 यूरो हैं जनाब ये मुझे टैक्स कट कटा के आता है। और जब आप गोरे लोगों के पास, पुर्तगीज लोगों के पास काम करते हैं, जैसे कि मैं आपको पता है पुर्तगीज लोगों के पास ही काम करता हूँ और हमेशा उन्हीं के साथ ही मेरा ज्यादा मिलना जुलना है। और जब आप पुर्तगीज लोगों के पास या किसी कंपनी में या किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो जनाब आपको सैलरी के साथ ये भी मिलता है, ये मेरा फूड कार्ड है, इसको हम पुर्तगाल में कुमेर करताओं भी बोलते हैं। तो जनाब इस कार्ड में वो हर मंथ 125 से 130 यूरो भी डाल देते हैं मेरे। तो ये तो मैंने आपको बता दी कि मेरी सैलरी फिलहाल इतनी है क्योंकि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एक्स्ट्रा काम करता हूँ तो वो फिर मुझे इधर उधर दे देते हैं, लेकिन इसमें मेरी टिप्स भी है। और अभी टिप्स से याद आया कि मैं काम कौन सा करता हूँ, मैं जैसा कि मेरी जर्मन बहुत अच्छी है, पुर्तगीज बहुत अच्छी है, पुर्तगीज मेरी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जो लोग यहाँ पे 5-5 सालों से है ना उनसे मेरी पुर्तगीज माशाल्लाह बहुत अच्छी है। क्योंकि यार मुझे लैंग्वेज सीखने का शौक भी होता है और इसीलिए मैं आपको भी कहता हूँ कि यार पुर्तगीज सीखा करो, क्योंकि पुर्तगाल में थोड़ा लैंग्वेज बैरियर भी होता है। और अगर आपको पुर्तगीज ही बोलनी आ जाती है थोड़ी थोड़ी भी, अगर आप एक एक लफ्ज़ सीखें, बोंदिया, बोतार, बोनोइत, ये ठीक है मैंने आपको बोला है, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड आफ्टरनून बोला है मैंने आपको, तो ये एक एक लफ्ज़ भी आप सीखें तो यार बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आपकी आ जाती है, तो इससे आपको ही फायदा होता है। तो ये तो होगी मेरी सैलरी। और अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ मेरी दोस्त की सैलरी, क्रिस्टीना नाम है उसका, वो पुर्तगीजी है। तो उसको भी मैंने बोला था यार क्योंकि वो फुल टाइम जॉब करती है तो प्लीज अपनी सैलरी सेंड कर दो, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि पार्ट टाइम में हम पुर्तगाल में कितने पैसे कमा सकते हैं और फुल टाइम में कितने पैसे बन जाते हैं। तो जनाब ये आपको मैं दिखा देता हूँ उसकी सैलरी जूम करके, 1059 1060 रुपए क्रिस्टीना को हर महीने मिलते हैं। और ये कितने घंटे काम करती है, ये जनाब एक दिन में 8 घंटे काम करती है, 2 दिन हमारा ऑफ होता है और ये पूरे महीने में टैक्स कट कटा के इसको मिलता है और फूड कार्ड भी इसको अलग से मिलता है। जैसे कि मुझे फूड कार्ड मिलता है तो वहाँ पे सबको ही मिलता है, ठीक है। जब आप गोरे लोगों के पास काम करते हैं ना आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। जब आप पुर्तगाल में किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो भी आपको फूड कार्ड मिलता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप लोगों से लैंग्वेज सीखो और कोशिश करो गोरे लोगों के पास जाओ, क्योंकि अगर आप देसी लोगों के पास काम करते हो तो जनाब आपको ये फूड कार्ड जो मैंने आपको दिखाया ये आपको नहीं मिलता, क्योंकि
पुर्तगीज लोगों के पास या गोरे लोगों के पास काम करने के बहुत ही ज्यादा अलग अलग फायदे होते हैं और इसका हमें बाद में पता भी चलता है क्योंकि हमें कॉन्ट्रैक्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इस वजह से आप कोशिश किया करें कि यार आप करें, देसी लोगों के पास भी काम करें। कुछ लोग देसी लोग बहुत अच्छे हैं, वो आपको अच्छे से वर्क कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, आपका पूरा हक देते हैं और उन लोगों को मेरा सलाम भी है, ठीक है। लेकिन मोस्टली लोग यहाँ पे आपको, कुछ लोग आपका हक भी नहीं देते, फिर आप लोग मुझे मैसेज करते हो अब हम क्या करें, हमारा टैक्स नहीं जा रहा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि आपको पुर्तगीज लोगों के पास ही काम मिले, तो इससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होता है। तो मैंने आपको बता दिया, अगर आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं पुर्तगाल में तो आपको 400 से लेके 470 या इतने में आपके 450 तक पैसे बन जाते हैं। अगर आप फुल टाइम काम करते हैं और किसी पुर्तगीज रेस्टोरेंट में करते हैं, किसी गोरे लोगों के पास या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपका 1000 से 1050 के बिटवीन बन जाता है। और जैसा कि जिस रेस्टोरेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, वो कंपनी बहुत अच्छी है, तो इस वजह से उनका रेट थोड़ा हाई भी है। लेकिन अगर फिर भी अगर आप नॉर्मल पुर्तगीजी रेस्टोरेंट में काम करते हैं, वहाँ पे भी आपको 900 से 1000 आराम से और हर हाल में बन जाता है, ठीक है। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर से बता दूं, 2 दिन छुट्टी होती है, 8 घंटे पर डे काम होता है, तो ये पूरे महीने की सैलरी टैक्स कट कटा के आपको बताई है। और टैक्स अभी याद आया कि बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी हमारा पुर्तगाल में अगर हम काम करते हैं तो टैक्स कौन पे करेगा। ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसकी मैं कदर भी करता हूँ। तो जनाब, कि मैं एक रेस्टोरेंट में काम करता हूँ और मैं एज अ वेटर काम करता हूँ, ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। और ये जो क्रिस्टीना है ये भी एज अ वेटर ही काम करती है, लेकिन ये फुल टाइम करती है। और जनाब, टैक्स मैं भी पे करता हूँ, लेकिन ज्यादा टैक्स मेरा ओनर, मेरी कंपनी पे करती है। समझ आई बात की? ये नहीं कि हाँ भाई टैक्स सारा मैंने ही पे करना है, तो अगर मैं ही पे करूंगा यहाँ पे मुझे क्या बचेगा। और पुर्तगाल में जो बेसिक सैलरी है वो कितनी है, 2023 है जैसा कि आपको पता है, वो भी बता दूं, 760 यूरो 760 बेसिक सैलरी है। इसके साथ आपको प्लस फूड कार्ड भी मिलता है, ये भी आप ऐड कर लें। और इसके साथ साथ अगर आप रेस्टोरेंट में काम करते हो इधर उधर, तो जनाब आपको टिप्स वगैरह भी हो जाती है, तो ये आराम से आपका 900-1000 पे चला जाता है। एक और चीज मेरे माइंड में आ गई, क्योंकि एक भाई ने क्वेश्चन किया था कमेंट्स में कि हम पुर्तगाल में 2-2 जॉब कर सकते हैं, तो जनाब पुर्तगाल चलते यार एक जॉब नहीं लगती, लेकिन हाँ अगर आपको 2 जॉब मिल जाए ऑफकोर्स आप कर सकते हो। लेकिन पुर्तगाल में जॉब का थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है, लेकिन जो इंसान कोशिश करते हैं उनको जॉब मिल भी जाती है। होप कि मैंने आपको एक एक चीज बता दिया, अगर मैं कुछ मिस कर गया हूँ आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। और जैसा कि हम ओरियन में हैं और ये ओरियन बहुत ही अच्छी जगह है, अगर आप पुर्तगाल में हैं तो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। आई लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग मी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।